तो हमारे पास कुछ की टर्म्स हैं, उनका ध्यान देना है तुमको, ठीक है। वो क्या है, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि सरफेस रेगुलर हो, अलग अलग शेप का हो सकता है। अब इसमें रेडिएशन आ रही है, ठीक है, मान लो इस पे रेडिएशन इंसिडेंट है सराउंडिंग बॉडी से, दिख रहा है सूरज, दिख रहा है। तो एक वर्ड होता है हमारे पास, जैसे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जानते हो, जैसे किसी रेडिएशन में जो एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट या पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी, लिख लो। इंटेंसिटी ऑफ ए रेडिएशन इज एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी ऑफ ए रेडिएशन इज एनर्जी, एनर्जी को मैंने डेल्टा यू से रिप्रेजेंट किया है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन ए रेडिएशन। किसी भी रेडिएशन में से मैं यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जो एनर्जी का फ्लो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी, राइट। एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखो, मान लो सराउंडिंग से रेडिएशन आ रही है, उसकी इंटेंसिटी, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी मैं आई आई लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, मान लो सरफेस पे आ जाती है, क्या पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा? बताओ, इंसिडेंट इंटेंसिटी को मैंने आई आई लिख दिया, आई सबस्क्रिप्ट आई, ये क्या होगा, पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा या कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा? तो मैं कहूंगा सरफेस पे अगर इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी आई आई है, तो आई एब्जॉर्ब, उसमें कुछ फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो जाएगा, हो सकता है पूरा भी हो जाए, हो सकता है आधा हो सकता है 1/4 हो, नहीं तो एब्जॉर्ब फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट फ्रैक्शन को हम लोग नाम देते हैं ए, एब्जॉर्प्टिविटी। क्या या एब्जॉर्प्टिव पावर, समझ में आ रहा है, व्हाट इज एब्जॉर्प्टिविटी या एब्जॉर्प्टिव पावर? फ्रैक्शन एब्जॉर्ब अपॉन फ्रैक्शन अपॉन इंस ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, राइट। एब्जॉर्ब इंटेंसिटी अपॉन इंसिडेंट इंटेंसिटी इज कॉल्ड व्हाट, एब्जॉर्प्टिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर, इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 100 मिली जूल एनर्जी इंसिडेंट हुआ, कितना, 100 मिली जूल, और 40 मिली जूल रिफ्लेक्ट हो गया, तो एब्जॉर्प्टिविटी कितनी हो गई, इंसिडेंट हुआ इतना इतना 100 मिली जूल और 40 मिली जूल रिफ्लेक्ट हो गया, तो एब्जॉर्प्टिविटी कितनी हो गई, सौ मिली जूल आया जिसमें से 40 मिली जूल तो रिफ्लेक्ट हो गया, बाहर निकल गया, एब्जॉर्ब कितना हुआ, बताओ सूरत, 60 मिली जूल। 60 मिली जूल। तो तुम्हारा एब्जॉर्प्टिविटी क्या होगा, स्मॉल ए क्या कहेंगे हम लोग, व्हाट इज एम स्मॉल ए, बताओ, 5/2। नहीं देखो, 40 मिली जूल अगर रिफ्लेक्ट हो गया तो एब्जॉर्ब तो कितना हो गया भाई, ये तो इंसिडेंट है ना, आई एन है ना, आई एब्जॉर्ब कितना हो गया, 60 मिली जूल, राइट। नहीं,
थ्री बाय टू हाँ नहीं 3/5 यस आई एब्जॉर्ब अपॉन आई इंसिडेंट, तो आई इंसिडेंट तो 100 मिली जूल है ना, और एब्जॉर्ब 60 मिली जूल है, तो 60/100 करेंगे तो क्या आएगा, है ना बेटा? यस सर। तो ये आ गया 3/5 यानी 0.6, इज दैट क्लियर? यस सर। यानी स्मॉल ए कितना हो गया इस बॉडी के लिए? यस सर। हाँ जानते हो जो कोई ऐसी बॉडी भी है क्या कि जो सारी इंसिडेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जितना भी एनर्जी आ गया सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा बॉडी है क्या? उसको हम लोग नाम देते हैं ब्लैक बॉडी। क्या क्या नाम देंगे उसको, क्या नाम देंगे ब्लैक बॉडी? क्लियर है, लिख लो। दोज सरफेसेस विच एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट एनर्जी आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी। Those surfaces which absorb all incident energy are called black body. ठीक है? Those surfaces which absorb all incident energy are called black body. ठीक है सूरत? Yes, sir. तो बताओ एक ब्लैक बॉडी के लिए ऑब्जर्वेटिविटी क्या हो जाएगी? अरे आई एब्जॉर्ब आई आई के बराबर हो गया ना, जितना गिरा सब एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये क्या हो गया रेशियो? देखो ये गिरा कितना आई आई, और एब्जॉर्ब भी पूरा का पूरा कर लिया, यानी आई एब्जॉर्ब भी इज इक्वल टू आई आई, तो आई आई बाई आई आई क्या हो जाएगा? देखो ये कह रहा है ना कि ऐसा बॉडी जो अब सारा एनर्जी जो इंसिडेंट हो रहा है एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी बोलेंगे, ये कह रहा है ना। और एब्जॉर्बिविटी का डिफिनेशन क्या होता है? आई एब्जॉर्ब अपॉन आई इंसिडेंट, यही होता है ना। Yes, तो जब वो सारा एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो आई ए भी आई आई हो गया ना, क्या आई ए भी इज ऑल्सो इक्वल टू आई आई, सो व्हाट इज द रेशियो? 1, राइट? आंसर क्या आया? 1, राइट? Yes, sir. ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होता है। ब्लैक बॉडी देखो नेचर में कोई भी बॉडी 100% ब्लैक बॉडी नहीं होता, एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, बट प्रैक्टिकली फाउंड मटेरियल में बात करें हम लोग तो जो लैम्प ब्लैक होता है ना काजल, वो मैक्सिमम ब्लैक बॉडी कैरेक्टर होल्ड करता है। ठीक है, लिख लो इस बात को। ठीक है, आइडियली नो सरफेस इज ब्लैक बॉडी, बट अमॉन्ग प्रैक्टिकली फाउंड मेटेरियल्स लैम ब्लैक हैज वैल्यू ऑफ ए क्लोजेस्ट टू 1। ठीक है, ओके सर, कुड यू प्लीज रिपीट? आइडली नो सरफेस इज ब्लैक बॉडी, हाँ, बट इन कॉमनली फाउंड मेटेरियल्स लैम ब्लैक हैज वैल्यू ऑफ ए क्लोजेस्ट टू 1, मतलब एग्जैक्टली 1 तो नहीं है बट 0.99 टाइप का है। ठीक है, ओके। Yes, तो जो आता है उसमें क्या फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो जाता है वही ब्लैक बॉडी कैरेक्टर है, मतलब अगर कोई रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा तो ए की वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी? सर कम, कम हो जाएगी, बिल्कुल। तो जो जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है उसमें उतना कम ब्लैक बॉडी कैरेक्टर होता है, जो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है उसमें ब्लैक बॉडी कैरेक्टर इतना ज्यादा होता है। तुम्हें बोला जाता है ना गर्मी में काले कपड़े पहनने के लिए मना करते हैं ना, यस सर, क्यों बोलते हैं बताओ?
सर, क्योंकि फिर वो ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा। हाँ, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कम करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी होगी, तो ज्यादा गर्मी लगेगी तो, ठीक है, इसलिए बोला जाता है। इधर क्लियर? यस सर। ठीक है। इसके बाद एक और टर्म आता है, जानते हो कि हर एक सरफेस, मैंने अभी तुम्हें लिखवाया था, हर एक सरफेस डिपेंडिंग ऑन इट्स टेम्परेचर एमिशन एमिट भी करता है रेडिएशन, खुद के सरफेस से रेडिएट करता है ना डिपेंडिंग ऑन इट्स टेम्परेचर, ठीक है, ओके। यस सर। तो अब कौन ज्यादा रेडिएट करेगा वो एमिसिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। लिखो यहाँ पे, एवरी सरफेस एमिट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एवरी सरफेस एमिट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन फ्रॉम इट्स सरफेस, या सॉरी, एवरी सरफेस एमिट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन डिपेंडिंग ऑन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है भाई। ठीक है, अपॉन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। यस सर। एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एमिसिव पावर एंड इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4 फॉर ब्लैक बॉडी, ठीक है भाई। ओके, यस सर। इसी को बोलते हैं स्टीफन लॉ, क्या सर? स्टीफन लॉ। यानी कोई भी सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी रेडिएट करेगा उसको बोलते हैं एमिसिव पावर। तो एमिसिव पावर इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा टी टू द पावर 4। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इज ए कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट कॉल्ड स्टीफन कॉन्स्टेंट। यानी उस सरफेस को यूनिवर्स में कहीं भी ले जाओ, ब्लैक बॉडी सरफेस को, अगर टी टेम्परेचर पे है तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इतना ही रेडिएट करेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, और सेम टेम्परेचर पे किसी गिवन बॉडी और ब्लैक बॉडी की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? एमिसिविटी। लिख लो, एमिसिविटी ऑफ ए सरफेस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ए गिवन बॉडी। सर कुड यू प्लीज रिपीट? एमिसिविटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ए गिवन बॉडी एमिसिविटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ए गिवन बॉडी एंड ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, एमिसिविटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ए गिवन बॉडी एंड ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? यस सर। कैसे डिफाइन करते हो एमिसिविटी को? सर इट इज डिफाइंड एज द एमिशन पावर ऑफ द गिवन बॉडी अपॉन द ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। यस, बिल्कुल सही। तो बताओ अगर ईवी का ये फॉर्मूला है तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ईवी का अगर ये फॉर्मूला है तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एमिसिविटी इनटू एमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी के एमिशन का क्या फॉर्मूला है? सिग्मा इनटू टी रेस टू द पावर 4। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है भाई। ये आ गया, ठीक है, ठीक है। राइट? यस सर। हाँ, अच्छा, जो एमिट एमिट हो रहा है रेडिएशन वो लॉस है कि गेन है?
सर क्या किसी बॉडी के लिए एमिटेड रेडिएशन क्या है, एनर्जी का लॉस है कि गेन है? लॉस बिल्कुल, और जो वो एब्जॉर्ब कर रही है वो गेन है, जो वो एमिट कर रही है वो तो लॉस ही है ना भाई। यस सर। हाँ तो देखो रेडिएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टीफंस लॉ, और वो क्वांटिफाई करता है कि रेडिएशन के थ्रू हम लोग कितना एनर्जी लॉस कर रहे हैं, ठीक है राइट ओके। लेकिन ये देखो ये पर यूनिट एरिया है, पूरे बॉडी के लिए पूछे तो क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर रेडिएटेड? ये तो पर यूनिट एरिया है, पूरे बॉडी के लिए जब लेंगे तो पूरे एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला क्या हो गया, ए ई सिग्मा टी टू द पावर 4। क्लियर है बेटा? यस सर। मतलब पूरा बॉडी यूनिट टाइम में कितना एनर्जी एमिट कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो, ए ई सिग्मा टी टू द पावर 4, ठीक है। और अगर यही ब्लैक बॉडी हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए सिग्मा टी टू द पावर 4, ठीक है यस सर ओके। और अगर एक ही सरफेस के एक पार्ट को ब्लैक बॉडी बना दे और एक पार्ट को ब्लैक बॉडी नहीं रखे, कोई दूसरा बॉडी बना दे, तो निकाल सकते हो कितना एनर्जी रेडिएट करेगा? मेरे बात समझ में आ रही है? नहीं सर, एक बार दोबारा बता दीजिए। चलो एक मिनट, देखो ए स्फीयर ऑफ ए हाईली कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, सर व्हाट, ए हाईली कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर ठीक है, ए हाईली कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज हाफ प्रिंटेड विथ ब्लैक बॉडी, ठीक है, मतलब आधा पार्ट को ब्लैक बॉडी पेंट से पेंट कर दिया, ठीक है भाई, मतलब आधे सरफेस को ब्लैक बॉडी पेंट से पेंट कर दिया, ठीक है भाई। यस सर। हाँ एंड एमिसिविटी ऑफ अदर पार्ट इज हाफ, कितना सर? हाफ। इफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज टी, बॉडी का टेम्परेचर अगर टी है, ठीक है क्लियर है? यस सर। तो व्हाट इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रेडिएशन? तो व्हाट इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन? सर लॉस ऑफ, व्हाट इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन by the whole body? What is the rate of loss of heat due to radiation by the whole body? पूरी body radiation की वजह से किस rate से heat lose कर रही है ये बताना है। बताओ आ रहा है आंसर? नो सर। देखो ये देखो इसका जो सरफेस एरिया दो पार्ट में बटा हुआ है ना, आधे हेमिस्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया क्या है, पूरा है,
स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है बताओ? पाई आर स्क्वायर बाय टू होगा, आधे का होगा, 4 पाई आर स्क्वायर बाय 2 ना। पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना बेटा? यस सर। तो उसका आधा तो ब्लैक बॉडी है, यानी ब्लैक बॉडी वाले पार्ट का सरफेस एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर। हाँ, तो वो कितना एनर्जी रेडिएट करेगा? तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू T^4, यही होता है ना? यस सर। और जो ब्लैक बॉडी नहीं है, जो नॉर्मल बॉडी है, उसका ई कितना दिया है? 0.5। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 0.5 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू T^4। समझ में आ रहा है? यस। तो कितना हो गया टोटल? ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो सिग्मा 3 पाई आर स्क्वायर T^4, ये है ना आंसर? दोनों का सम कर दिया, समझ में आया? सर सम क्यों किया? देखो टोटल कितना रेडिएट कर रहा है ये पूछा ना, तो यहां से भी रेडिएट कर रहा होगा, तो ये तो ब्लैक बॉडी सरफेस है, तो ज्यादा कर रहा होगा, यहाँ से थोड़ा कम कर रहा होगा। यस सर। तो जितना इस यहाँ से किया, जितना यहाँ से किया, दोनों का सम कर दिया, टोटल रेडिएटेड ये हो गया ना। टोटल निकालने के लिए सम करना पड़ेगा ना हमको। मान लो एक पार्ट से 2 जूल लूज किया और एक पार्ट से 1 जूल लूज किया, तो टोटल कितना लूज किया उसने? 3। वही कर रहे हैं, ये ब्लैक बॉडी पार्ट से इतना लूज कर रहा है पर सेकंड, और दूसरे पार्ट से इतना लूज कर रहा है पर सेकंड, तो टोटल तो सम करेंगे ना, तब आएगा ना। यस सर। तो रेट ऑफ लॉस क्या हो गया? ठीक है बेटा। यस सर। ये जो रेडिएशन की वजह से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वही तो लॉस है ना टोटल? यस सर। यानी पर सेकंड जो लॉस है, इसको अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, माइनस सिग्मा 3 पाई आर स्क्वायर T^4। क्लियर है भाई? यस सर। राइट। हाँ, टोटल को अगर मैं मैथमेटिकल लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, ठीक है? यस सर। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो गया रेडिएशन की वजह से लॉस, ठीक है? ठीक है, तो दो बातें होती है हमारे पास, रेडिएशन की वजह से जो लॉस होता है वो स्टीफंस लॉ से गाइड होता है, ठीक है? और उसके अलावा जो इंसिडेंट एनर्जी आती है उससे कितना एब्जॉर्ब होता है उसका भी फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास एक ना रेडिएशन में एक फंडा होता है एंक्लोजर का, ठीक है? एंक्लोजर का फंडा क्या होता है? देखो जैसे कोई बॉडी है, उस जिस भी दूसरे ऑब्जेक्ट से सराउंडेड है उसको एंक्लोजर बोलते हैं, ठीक है? जैसे यूजुअली जैसे हमारे सराउंडिंग में मान लो एयर है, तो एयर हमारा एंक्लोजर हो गया, ठीक है? यस सर। या मान लो एयर नहीं है, हम ऐसे रूम में हैं जिसमें हमारे बाद जो मटेरियल है वो वॉल ऑफ द रूम है, तो वॉल हमारा एंक्लोजर हो गया, समझ में आया? यस सर। हाँ, मतलब जिस मटेरियल से आप हर तरफ से घिरे हुए उसको एंक्लोजर बोलोगे, क्या बोलोगे? एंक्लोजर। तो मान लो एंक्लोजर का टेम्परेचर T0 है, क्या है? T0, ठीक है। और आपका जो बॉडी है उसका टेम्परेचर T है, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो, एनर्जी रेडिएट कर रहे हो ना? यस सर। साथ ही साथ सराउंडिंग बॉडी जो रेडिएट कर रही है उससे जो एनर्जी आ रही है वो भी तो आप एब्जॉर्ब करोगे। यस सर। तो जो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो वो तो गेन हो गया, जो रेडिएट करोगे वो तो लॉस हो गया। यस सर। तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ हीट फ्लो लिखेंगे तो दोनों को काउंट करेंगे, ठीक है भाई? ओके सर। सर वो कैंसिल हो जाएंगे फिर? नहीं कैंसिल नहीं, तो तब होंगे जब दोनों बराबर हो जाएं। ओके सर। मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तब तो ओवरऑल एब्जॉर्ब होगा ना, हमारा गेन होगा हीट का हमारे लिए। और अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग का कम है तो लॉस हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है लिख लो, फॉर्मूला ऑफ नेट रेट ऑफ हीट फ्लो इन एन एंक्लोजर is given as ये फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई?
फॉर्मूला ऑफ नेट रेट ऑफ हीट फ्लो इन एन एनक्लोजर इज गिवन एज माइनस ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, ठीक है सर? ये माइनस भी है। माइनस का मतलब ये हो गया कि जो लॉस हो रहा है उसको तो माइनस में लिखा है और जो गेन है वो प्लस में लिखा है। ओके सर। मान लो अगर सराउंडिंग से नहीं आता तो लॉस ही होता ना हमारा, क्या हो जाता अभी किया था? माइनस ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4 होता है। यस सर। और जो सराउंडिंग से आ रहा है वो जो गेन है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है लेकिन बॉडी के एरिया पे ही डिपेंड करता है, ठीक है? ओके सर। तो अगर टी और टी नॉट बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा बताओ? से कैंसिल हो जाएगा, यानी ना नेट गेन और हीट नहीं होगा, आएगा भी जाएगा भी लेकिन टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नो सर। उसी को थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है भाई? यस सर। और अगर टी बड़ा हो गया टी नॉट से तो ओवरऑल माइनस आ जाएगा यानी लॉस होगा। यस सर। और टी अगर छोटा हो गया तो मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है हमारा कम है तो गेन हो। हाँ, तो डीक्यू बाई डी टी निगेटिव का मतलब लॉस हुआ और पॉजिटिव का मतलब गेन हुआ, ठीक है भाई? ओके यस सर। अच्छा तुमको एक बात तो पता ही है ना कि रेट जो रेट ऑफ लॉस गेन होता है हीट का उसको टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हैं। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था हीट कैलोरीमेट्री में कि जो डी क्यू बाई डी टी होता है दैट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, याद है? होता है ना ये? यस सर। यानी अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला लिखूं तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी टी का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? वो बन जाएगा माइनस ई सिग्मा ए बाय एच, ठीक है, टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। समझ में आया? यस सर। आ रहा समझ में? यस सर। एच क्या है? हीट कैपेसिटी। एच क्या है? हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इन जनरल हमारा रेट ऑफ चेंज का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? यानी कोई भी बॉडी का जो टेम्परेचर रेट ऑफ चेंज होता है रेडिएशन की वजह से उसका फॉर्मूला होता है माइनस ई सिग्मा ए बाय एच टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ किसी बॉडी में अगर मैं हीटिंग एलिमेंट प्लेस कर दूं, जैसे बॉडी के अंदर हीटर रख दूं, तो हीटर जो पावर रेडिएट करेगा वो अल्टीमेटली लॉस करेगा ना बॉडी? यस सर। तो ठीक है, तो वहां एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बताओ लिखो। ए ब्लैक बॉडी स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ब्लैक बॉडी अगर है ना तो स्मॉल की वैल्यू 1 लेनी है, ठीक है ना भाई? यस। देखो, ए ब्लैक बॉडी स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, ओके, यस सर, हाँ, हैज इट सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट, कितना? हाँ ठीक है, राइट? यस सर। देयर इज ए हीटर इनसाइड द स्फीयर, देयर इज ए हीटर इनसाइड द स्फीयर लिखे, यस सर, देयर इज ए हीटर इनसाइड द स्फीयर, राइट? यस सर। हाँ, इन इक्विलिब्रियम
इन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ स्फीयर इज डबल ऑफ इट्स सराउंडिंग, ठीक है? सर टेम्परेचर ऑफ स्फीयर इज डबल ऑफ इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या दिया था? इन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ स्फीयर इज डबल ऑफ इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या दिया था मैंने? वन नहीं टी नॉट दिया था ना, देखो लिखा होगा अच्छा तो यानी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? टू टी नॉट दिया ना? यस सर। तुमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द पावर ऑफ द हीटर, स्टेडी स्टेट का मतलब ये हो गया कि इफेक्टिव गेन लॉस नहीं होगा, यानी हीटर से जो आएगा वही बाहर फ्लो कर जाएगा, ठीक है? तो हीटर का पावर बताना है आपको। अच्छा ये बताओ ये ओवरऑल रेडिएशन वजह से लॉस करेगा या गेन करेगा? रेडिएशन की वजह से ये जो स्फीयर है वो गेन करेगा कि लॉस करेगा? गेन नहीं, अपना सरफेस टेम्परेचर क्या है बॉडी का? सर टी नॉट, नहीं नहीं टू टी नॉट है ना, सराउंडिंग का डबल है सर टू टी नॉट है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में टी की वैल्यू तो टू टी नॉट लेनी है। यस सर। और ये तो टी नॉट है ही एंक्लोजर का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो बताओ क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस। हाँ यानी लॉस करेगा रेडिएशन की वजह से। यस सर। और अंदर अगर मैं सोर्स नहीं रखता तो इसका मतलब टाइम के साथ टेम्परेचर कम हो जाता है ना इसका? यस सर। तो सोर्स क्या कर रहा है? सोर्स क्या कर रहा है? जो भी लॉस हो रहा है उसको कंपेंसेट कर रहा है ना? यस सर। तो वही तो उसका पावर है, यानी हीटर का पावर क्या कर रहा है? जितना भी ये रेडिएशन में लॉस कर रहा है उतना कंपेंसेट कर रहा है। यस सर। गेटिंग इट? Yes, sir. तो व्हाट इज द पावर ऑफ द हीटर बताओ। ठीक है तो हीटर का पावर क्या है ये बताओ। सो व्हाट इज द पावर ऑफ द हीटर? समझ आ रहा है? 64 pi r² sigma t ना? नहीं, 2 का फोर्थ पावर कितना होगा? 16 हो गया ये, और ये माइनस चला गया तो 15 हो गया, और यहाँ पे एरिया में 4 पावर 60 हो गया। हाँ आंसर अब इज 60 60 ई सिग्मा पाई आर स्क्वायर टी नॉट टू दी पावर 4, ये आ रहा है आंसर। देखो सही से सर इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। टी की वैल्यू क्या लेनी है यहाँ पे? टू टी नॉट। और टी नॉट तो टी नॉट है ही। यस सर। एरिया क्या है? 4 pi r² तो बस खत्म। ई की वैल्यू 1 लेनी है। अच्छा ई यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि ई तो 1 है ना, ब्लैक बॉडी है ना। ठीक है ओके। यस सर। कुछ नहीं, अब तो वैल्यू पुट करना है ना। तो ये जो रेडिएशन की वजह से रेट ऑफ लॉस है वही पावर ऑफ हीटर है, वही तो कंपनसेट कर रहा है। हीटर क्या कर रहा है? इसी को कंपनसेट कर रहा है ना। यस सर। तो मेरा आंसर 64 आया। 64 इसलिए आया कि तुमने ये वाला पार्ट माइनस वाला ये वाला नहीं लिया ना। यस सर। ये तो देखो 16 माइनस
टू का जो फोर्थ पावर होगा ना वो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे एक माइनस भी तो करना है 10^4 सराउंडिंग की वजह से। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। तो यूजुअली क्या होता है ना, रेडिएशन में दोनों काम होते हैं, यानी हम लॉस भी कर रहे होते हैं और सराउंडिंग से गेन भी कर रहे होते हैं, तो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ लॉस या गेन जो होता है वो दोनों मिला के काम आता है। ठीक है? यस सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन आता है, जानते हो डे टू डे फिनोमेना में क्या होता है ना, डे टू डे फिनोमेना में हमारा और बॉडी के जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, बताऊँ? ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है भाई, मान लो एक चाय है, चाय, ठीक है, कप ऑफ टी है, राइट, इसका टेम्परेचर ना 57°C है, कितना? और रूम का टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर ना वो है 27°C, कितना? ठीक है, तो बताओ रूम का टेम्परेचर केल्विन में कितना है? 300 केल्विन है। यस सर। और ये कितना है केल्विन में? 330 केल्विन है बेटा। यस सर। तो टी हो गया तुम्हारा, मतलब केल्विन में बात करें तो टी कितना हो गया यहाँ पे? 330 केल्विन, राइट। और टी नॉट क्या हो गया? 300 केल्विन। तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है बॉडी और सराउंडिंग का अपॉन सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस, ये कितना आ गया? यानी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन सराउंडिंग टेम्परेचर का जो रेशियो है वो कितना आ गया? 1/10 आया ना? यस सर। केल्विन में जब बात करेंगे तो यही आया ना? यस सर। तो सराउंडिंग में तो ऐसा ही होता है, जैसे मान लो चाय मेरी ठंडी हो रही है तो मेरा चाय और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस का फ्रैक्शन है वो तो 1/10 ही है ना भाई? यस सर। तो ऐसे केस में जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था रेट ऑफ लॉस का, उसका जरा ध्यान से देखना, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग को अगर मैं डेल्टा टी लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या था मेरा? माइनस ई सिग्मा ए टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4, यही था ना भाई? यस सर। तो टी को मैं लिख देता हूँ टी नॉट प्लस डेल्टा टी, लिख देता हूँ। यस सर। तो क्या ये ऐसे हो गया, माइनस ई सिग्मा ए टी नॉट प्लस डेल्टा टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4, ऐसे लिख दो क्या? यस सर। तो अभी अगर मैं टी नॉट पूरे से कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा ये? ये ऐसा बन गया, देखो जरा ध्यान से, टी नॉट मैंने पूरे से कॉमन ले लिया तो ऐसे बन गया क्या? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं बायनोमियल, इसको तो चलो कांस्टेंट बाहर का रहने देते हैं और बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, तो क्या ये ऐसा बन गया माइनस ई सिग्मा ए टी नॉट टू दी पावर 4? इसमें बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन अगर लगाएं, क्योंकि डेल्टा टी बाय टी नॉट 1/10 के ऑर्डर का है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1+4 डेल्टा टी बाय टी नॉट? यस सर। -1, 1+1, -1 कैंसिल कर दिया, तो हमारा क्या रिजल्ट आ गया भाई? यानी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो गया? माइनस ई सिग्मा ए 4T0³ × T-T0, कोई दिक्कत है क्या? क्या मैं इस पूरी कहानी को ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। ये देखो, ये जो ई सिग्मा ए 4T0³ है, ये तो कांस्टेंट है ना भाई? यस सर। यानी प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या हो जाता है, जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है?
यानी माइनस केसी इंटू टी माइनस टी नॉट, ऐसे लिख सकता हूं क्या? केसी क्या था? ई सिग्मा ए फोर टी नॉट क्यूब को केसी लिख दिया, कोई दिक्कत है? नो सर। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है या गेन होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? सर टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बाय हीट कैपेसिटी हो जाता है। यस सर। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस केसी बाय एच हीट कैपेसिटी इनटू टी माइनस टी नॉट। यस सर। अब केसी भी एच भी तो नया कॉन्स्टेंट ही है ना, तो ये जो रिजल्ट आ गया मेरे पास इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यानी कोई भी बॉडी किस रेट से टेम्परेचर चेंज करेगा वो बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है, के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। क्लियर बेटा? सर वो आप डेफिनेशन लास्ट वाली दोबारा रिपीट कर सकते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। ठीक है, the rate of change of temperature of the body is proportional to temperature difference between the body and the surrounding. clear beta? yes sir. ab isi mein t bada hai t not se to loss ho jayega aur t chota hai t not se to kya ho jayega? badh jayega. yes sir. jaise koi ice cream hai ya cold drink hai maan lo, theek hai, to uska temperature time ke sath kya hoga? agar bahar chhod denge to badh jayega ya ghat jayega? घट जाएगा, तो बढ़ जाएगा। और चाय कॉफी का क्या होता है सर? क्या चाय कॉफी का क्या होता है? चाय घट जाएगा। चाय का तो घट जाएगा, तो टेम्परेचर चेंज कब ज्यादा होगा? जब ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा या कम टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा? टेम्परेचर चेंज का जो रेट होगा कब ज्यादा होगा? जब ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब तेजी से टेम्परेचर गिरता है ना? यस सर। और जब कम टेम्परेचर हो डिफरेंस हो जाएगा तो धीरे धीरे गिरता है। यानी यहाँ अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो ये ग्राफ आता है भाई। अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस का ग्राफ देखूं, मान लो कोई बॉडी है और उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, टाइम के साथ ग्राफ देख रहे हैं, शुरू में मान लो उसका टेम्परेचर टी है और टी मोर देन टी नॉट है और ये टी नॉट का लाइन है, टी नॉट मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर, तो ऐसा ग्राफ आ जाता है। ठीक है भाई, घटते घटते लास्ट में जो रेट ऑफ चेंज होता है बहुत कम हो जाता है, यानी स्लोप बहुत कम हो जाता है ग्राफ का। ठीक है? यस सर।